हाय फ्रेंड्स, आज मैं गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ, वो भी इंस्टेंट गुलाब जामुन। और ये पर्सनल किसी के डिमांड पे बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, 5 से 10 मिनट में आपका बन जाएगा। तो टेस्टी सा गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी बनानी है। तो जिसमें मैं 4 कटोरी चाशनी ली हूँ, सॉरी चाशनी नहीं, चीनी ली हूँ। और उसमें 6 कटोरी पानी डाली हूँ, यानी 4 कटोरी चीनी और 6 कटोरी पानी डाली हूँ। बस इसे चीनी पानी मिक्स करने के बाद हम इंडक्शन पर चढ़ा दिए हैं। उसके बाद ये चीनी जब घुल जाएगी तो इसको फिर भी 5 मिनट तक आपको पकाना है। चाशनी इसकी पतली ही रहती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना करें। इस तरह से ये चाशनी बिल्कुल रेडी है, पर ये जब ठंडा होगा तो थोड़ा ये गाढ़ा होगा। तो बस चाशनी रेडी है। तो मैं MTR का ली हूँ, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, मेरे घर में ये अभी अवेलेबल था। उसके बाद इसे पैकेट से मैं निकाल ली हूँ, ये इंस्टेंट पाउडर। उसके बाद इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें बस इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी और सिंपल मैं बता रही हूँ आप लोग को। तो बस पानी डाल करके इसका एक डो तैयार करना है। तो फ्रेंड, डो तैयार करना है तो बिल्कुल हल्के हाथों से डो तैयार करें, यानी इसे मिक्स करना है। बहुत आटे की तरह बहुत ज़्यादा इसे गूंदना नहीं है। ये जब मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच तेल डाल करके इसको हल्का सा हाथों से, हल्के हाथों से इसको एक स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। उसके बाद साइज़ तो अपने छोटे बड़े, तो गुलाब जामुन के ये जो हैं तो आप पे छोटे बड़े अपने हिसाब से साइज कर सकते हैं। और हाथों में थोड़ा तेल लगा करके इसे गोल गोल कर लें। और इसे देखिए, मैं बिल्कुल चिकना सा लग रहा है ना, तो ये गुलाब जामुन परफेक्ट बनेगा। चाशनी भी गाढ़ी हो गई है, पर चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए चाशनी। और तेल ये गर्म हो गया है तो मैं इसमें सारे गुलाब जामुन के जो बॉल थे वो डाल दी हूँ। और इसे हल्के हल्के चलाते रहें, मतलब साइड से। जब ये थोड़ा गोल्डन कलर का आ जाएगा, कलर भी आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से रख सकते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है। तो इस तरह से ये सारे गुलाब जामुन तल ली हूँ। और इसे मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ और बाकी बचे हुए को भी तल लेती हूँ। तो फ्रेंड, इधर मैं तल भी रही हूँ और इधर प्लेट में निकाल ली। अब इसे चाशनी में डाल देना है। तो चाशनी में डाल करके और सारे गुलाब जामुन जब तल जाएं चाशनी में डाल दीजिए। उसके बाद इसे बस 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दीजिए, आपके ये गुलाब जामुन टेस्टी सा रेडी हो जाएगा। तो है ना बिल्कुल ईजी और सिंपल। तो फ्रेंड, आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। बाय बाय।